अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा मटर वाइट पुलाव, जो बहुत ही जल्दी और झटपट पकने वाला है। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था और फ्लेम जो है वो मीडियम है। इसमें डालेंगे हम 1/4 कप ऑयल। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। आज हम बना रहे हैं वाइट मटर पुलाव, तो इसमें मैं प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। इसमें मैं ज़ीरे के साथ वाइट पुलाव बनाती हूँ। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही मैं मटर ऐड कर दूँगी, 1/2 केजी मटर और 1/2 केजी ही मैंने चावल लिए। ये बहुत मज़ेदार सा झटपट तैयार होने वाला पुलाव है और ये मेरा बहुत फेवरेट पुलाव है। मैं इसे अक्सर बनाती रहती हूँ, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और झटपट आपकी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक, 1 टीस्पून मैं नमक ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे मटर को। इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, बहुत सिंपल सा और बहुत इजी सा पुलाव है। मटर हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। दो कप मैंने चावल लिए हैं, तो मैं इसमें पानी जो है वो 3 कप ऐड करूँगी, जो रेगुलर कप होता है चाय वाला। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं चावलों में, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी का यानी आंच जो है वो गैस की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी के चावल जल्दी नहीं गलते, किसी के जल्दी गल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से डालें, जिस तरह आप पकाते हैं आपको इजी लगता है, जैसे आप रेगुलर पकाते हैं वैसे पका लें। तो इसमें मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। दो कप मैंने चावल लिए थे, जिनको मैंने तकरीबन 20 मिनट तक भिगो के रखा था, और इसका पानी मैंने निकाल लिया और ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। चावल पकना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए कवर करूंगी, जब तक इसका पानी ड्राई हो जाता है, फिर उसके बाद मैं इसे दम लगा दूंगी। चावलों का पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। इस पॉइंट पे आप अपनी नमक जो है वो आप चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने इसमें यानी और ऐड किया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें टोटली नमक डाला। बस मैं इसको अब दम लगा दूंगी तकरीबन 10 मिनट्स तक। लो फ्लेम पे इसे मैंने 10 मिनट्स के लिए दम पे लगाया है। फ्लेम हम करेंगे ऑफ और चावल जो है वो माशाल्लाह से हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितना प्यारा वाइट पुलाव बना है और बहुत झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जब कभी आपको जल्दी हो, खाना बनाने की कुछ समझ ना आ रही हो, तो जल्दी से ये पुलाव बना लें। मैं अक्सर दोपहर में बनाती हूँ और इसके साथ जो है वो मैं रायता और कबाब बनाती हूँ। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार सा मटर वाइट पुलाव रेडी हो गया है, हमने इसे डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।